दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिए एक हलफनामे में यह वादा किया था कि विवादित जगह पर कोई निर्माण नहीं होगा। दिसंबर 1992 के सांप्रदायिक दंगों में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। मस्जिद के गिरने और राम की मूर्ति स्थापित होने के बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का प्रपालन किया है। इस आंदोलन में से आडवाणी जी को, कल्याण सिंह जी को, साक्षी महाराज को, उमा भारती को निकाल के जीरो रन हो गया। साक्षी महाराज के अनुसार कल्याण के इस्तीफे का समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए निर्धारित किया गया था। इस्तीफे को लेकर तीन संशय, तीन बातें उठी हैं इस्तीफे को लेकर कि आपको मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि आप इस्तीफा मत देने जाइए, आप 10 बजे इस्तीफा लिख चुके थे, तैयार कर चुके थे अपना, देने जा रहे थे। आपने उस समय कोई डिसीजन लिया रोकने के लिए? या बीजेपी से जुड़े थे, आपकी सरकार थी, आपने रोकने के लिए कोई प्रयास किया? कल्याण सिंह ने उस समय किसी भी नेता से बातचीत होने की बात को साफ मना कर दिया। कल्याण सिंह के अनुसार ढांचा कार सेवकों ने तोड़ दिया, मैं अयोध्या के किसी नेता से मेरी कोई बात नहीं हुई। मुश्किल से 2 मिनट चली इस छोटी सी बातचीत के बाद कल्याण सिंह ने किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। जिक्र आया है कि जो आपने प्लाटून डिपोर्ट की वहां पर,
वो मतलब पहले से इस टाइप के मतलब जो अधिकारी थे वो पहले से मतलब जो चाहते थे बीजेपी से जुड़े लोग थे उनको डिप्यूट किया, या किस तरीके से कोई चर्चा हुई? किसी बीजेपी के किसी लीडर से? लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।